वंदे गौ मातरम्। साहिवाल को राठी बोलते हैं, राठी को साहिवाल बोलते हैं, थारपारकर को हरियाणवी और हरियाणवी को थारपारकर कहने लग जाते हैं। बड़ा असमंजस है। काफ़ी किसान पशुपालक देसी गोवंश तो पहचानते हैं लेकिन उनकी सही नस्लों से अनभिज्ञ हैं। आज जो मैं आपको गाय दिखा रहा हूँ, इस गाय को कौन सी नस्ल आप बताएंगे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्म टॉक और मैं जयपाल सिंह राठौड़। हर घर देसी गोवंश, हर खूंटे देसी गोवंश, इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज के वीडियो में एक शानदार क्वालिटी की बड़े साइज़ के हंप की और एक बड़े अडर साइज़ की सुंदर शानदार जो लेवटी का साइज़ लिए हुए है, वह गाय जो सेल के लिए अवेलेबल है, इस गाय की लाइव मिल्किंग भी दिखाऊंगा, साथ ही गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट देखिए। अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही नज़दीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको रेगुलर और सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। आपको इस गाय की पूरी लाइव मिल्किंग दिखाऊंगा, साथ ही जानकारी दूंगा कि गाय कहाँ पर अवेलेबल है और किस कीमत पर मिलेगी, आपको इसके लिए क्या करना होगा, ऐसी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको दूंगा। जानकारी दुरुस्त कर दूं, इस गाय को टीकू राम जी जो विलेज कमीनपुरा डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर 7627058169। साथ ही आप दुलीचंद जी का भी नंबर नोट कर सकते हैं, ये नंबर 9784412231। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप इस गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इन नंबरों पर व्हाट्सएप के थ्रू लाइव वीडियो कॉलिंग करके इस गाय की 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जैसे भी आपको सुविधा लगे मिल्किंग चेक कर सकते हैं। खाली बाल्टी देख सकते हैं आप। आपको इस गाय की पूरी मिल्किंग वीडियो दिखाऊंगा, आप अंत तक जरूर से देखिए। इस गाय के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, यह गाय रेड सिंधी और साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। काफ़ी शानदार और सेहतमंद गाय है। हाइट लेंथ इस गाय की काफ़ी उम्दा है, काफ़ी ज़बरदस्त हाइट लेंथ है। जो बॉडी का कलर पैटर्न है वह भी काफ़ी मनमोहक है। पेट के हिस्से को छोड़कर बाकी कंप्लीट बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक डॉट्स नहीं अपितु ये स्पॉट्स हैं, बड़े साइज के स्पॉट्स हैं। यह रेड सिंधी नस्ल की निशानियां हैं और इसके अंदर कुछ साहिवाल नस्ल का मिश्रण है। हाइट लेंथ इस गाय की अधिक है, साथ ही एवरेज साइज से अधिक का हम्प है। बिना सींगों की गाय है। गलकंबल काफ़ी सुंदर और भारी है। गाय को ब्याहे हुए आज दूसरा दिन है और जो काफ देख पा रहे हैं आप, ये फीमेल काफ है, बछड़ी है, ताजा ब्याही हुई गाय है। अभी दूध कितना तैयार कर लिया है वह मिल्किंग वीडियो कंप्लीट होने के पश्चात आप देख पाएंगे। जैसा टीकूराम जी ने हमें जानकारी दी है कि इस गाय की दूध क्षमता 14 लीटर प्लस की है जो इस ब्यांत के अंदर ये गाय हासिल करेगी। दूसरे ब्यांत के अंदर है, सेकंड लैक्टेशन में है। पिछले ब्यांत में भी इस गाय ने 12 लीटर से अधिक दूध दिया है और जैसी अडर क्वालिटी है इस गाय की, जैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसी तरीके की खान पान यदि इस गाय को मिलती है तो शानदार 14 लीटर से अधिक की दूध क्षमता इस ब्यांत में हासिल करेगी। आपको गाय कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। टीकूराम जी ने इस गाय की कीमत 45,000 रुपये डिमांड की है जो कि प्राइस नेगोशिएबल है। इस कीमत में यदि आप कोई बार्गेनिंग चाहते हैं, मोल भाव चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। जो बाल्टी में दूध है उसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि 4.5 से 5 लीटर के आसपास घी सभी है जो कि दूसरे दिन की ब्याही हुई गाय है। 2 दिन की ब्याही हुई गाय के इतना ही खीस आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।